ग्राम पंचायत हार में 28 वर्षीय विवाहिता योगिता दहेज की बलि चढ़ गई। वहीं मायका पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने जहरीला इंजेक्शन देकर उसे मारा है। विवाहिता योगिता की 2 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। देहरा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए मृतका के मायका पक्ष के परिजन शव देखकर बिलख उठे। वहीं मायका पक्ष ने प्रदर्शन किया वे अस्पताल परिसर में ही पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति साहिल, सास सुशीला, ननद शिखा को हिरासत में ले लिया है। एक्ट आईपीसी की धारा 304B 498 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मृतका की डेड बॉडी लेकर पुलिस टांडा मेडिकल कॉलेज में गई। अब वहां विशेष डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। क्या बोल रहे हो? ये कल सूचना थाने में सूचना मिली थी कि योगिता नामक लड़की गांव हार की असामयिक मौत हो गई है, जिस पर पुलिस मौके पर गई और लड़की के भाई के बयान पर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया थाने में और लड़की को पोस्टमार्टम के लिए RPGMC टांडा भेज दिया गया है। तथा इस मामले में लड़की के हस्बैंड, उसकी ननद और उसकी सास को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। इस मामले में मुकदमा 304B डाउरी डेथ में मुकदमा दर्ज हुआ है। सही है, मेरा नाम, मेरी बेटी हारे ब्याही थी, हारे में ब्याही थी, तो उसको कल उसके ससुराल वालों ने मारने की कोशिश करी और मार भी दी। हाँ, तो अभी क्या है? अभी मांग ये कर रहे हैं कि जितने भी हैं साथी है जिन्होंने मिलकर मारा है, 5 आदमियों को गिरफ्तार किया जाए। मेरी मारा, मेरी बेटी को इन्होंने मारा, मेरी बेटी हर रोज कहती थी मम्मी इसने मारा, सभी ने मारा, सभी ने मारा, लेकिन दो वो हेमंत मंदिर मारा, मैंने 7 लाख रुपया मांगा, मैं 7 लाख रुपया मांगा मेरे से दुबई जाने के लिए, मैं जब गई थी ना तो मेरी बहन के घर उसका मेरी बेटी का फोन आया था, उसने मेरे को बताया, मेरी नंद मेरे को तंग कर रही, मम्मी आप पैसे लेके आ रहे हो या नहीं, मैंने मेरे जीजा जी ने बोला कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, महीने तक हम दे देंगे, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना बड़ा के बच्चे को सुख नहीं मिलता, क्या करूँ, मेरे बच्चे इतनी अच्छी, उन्होंने जहर दे दिया। जो नंद थी ना अक्सर लड़ती थी जब मेरी बेटी को, वो आपको बिना बताए क्यों जाने वाले हमने बताया नहीं, हमारा घर 5 मिनट का रास्ता है, हमारा घर 5 मिनट का रास्ता है, हमें बताया तक नहीं, उसका संस्कार उसको जलाने लगे, उसका संस्कार करने लगे, मैं क्या करूँ, हमें इंसाफ चाहिए, पटियाल है और मैं परागपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी सिस्टर योगिता पटियाल कल दोपहर को मेरे को पता चला कि वो एक्सपायर हो गए हैं, जबकि उनके ससुराल वालों ने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि वो एक्सपायर हो गई है लड़की या कोई भी बात है। जब हमारे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे आपकी बेटी एक्सपायर होगी, मैं उनके घर पहुंचा, मैंने वहां पे देखा, मैं देखा कि मेरी सिस्टर बिल्कुल मृत हालत में है, वहां पे मतलब मर गई हुई थी उस टाइम पे, मैंने उनके हाथ भी टच किए, बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी उसकी बॉडी, हॉस्पिटल भी उसको कहीं भी नहीं लेके गए, और ऊपर से जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने सीढ़ी वगैरह तक बना दी हुई थी कि जलाने की पूरी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी हुई थी कि जो ऐसे भी है, उन्होंने हमें घर मतलब कि घर बिल्कुल पास में, उन्होंने बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया कि आपने आना है या ऐसे ऐसे योगिता को। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि सभी 5 जिनके मैंने नाम लिखवाए हैं जो मौका वारदात पे वहाँ पे थे, वो सभी गिरफ्तार हों, ठीक है, और उनके नाम जैसे मेरे जीजा जी साहिल कश्यप और उनके मदर सुशीला जी और उनकी ननंद और उनके जुआई जो हैं वो सारे जिनके भी मैंने नाम लिखवाए हैं वो सारे गिरफ्तार हों, शिखा रिक्की वो सारे गिरफ्तार हों, उनके पॉलिटिकल लिंक्स अच्छे हैं, उस वजह से कल का जब मैंने FIR में उनका नाम लिखवाया वो गिरफ्तार होने चाहिए थे, वो अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं, इवन की लाश यहां पे पड़ी है। और बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा
जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने लड़की को फ़ोन करने की कोशिश की अपनी सिस्टर को कि वो क्यों नहीं फ़ोन उठा रही, गांव में सारे ऐसे बोल रहे हैं कि योगिता अभी नहीं रही नहीं रही। तो मैं उसके फ़ोन पे फ़ोन करूँ तो उसका फ़ोन ना मिले, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था योगिता का। और जब मैंने काफ़ी छानबीन की, बड़े सारे लोग थे वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कि इनका फ़ोन कहाँ है, तो मैंने उनका फ़ोन देखा तो फ़ोन बिल्कुल टूटा हुआ था, बिल्कुल ऐसे टूटा हुआ था जैसे किसी ने तोड़ा है। लेकिन ससुराल वालों का कहना है कि उन्होंने फ़ोन नीचे फेंका था, बट फेंकते तो वैसे नहीं टूटता, फ़ोन हाथों पाई हुई थी, वो अच्छी तरह मोड़ के तोड़ा गया था। और मेरे को शक है कि इन्होंने कुछ किया है, शक क्या है, मेरे को यकीन है कि इन्होंने कुछ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनको पकड़ा जाए, इन्होंने मेरी सिस्टर को मारा है, इनको अब जेल में डाला जाए बस। एन स्टार न्यूज़ के लिए ज्वालामुखी से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।